योगी जी कह रहे हैं 80-20, कितने गैर जिम्मेदाराना बयान है 80-20, वो तो 100% के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं बड़े खुले दिल से कहता हूं, क्षेत्र ने अगर आशीर्वाद दे दिया हमारी सरकार बने। बहुत लोग हैं जो हमारे पक्ष में शायद वोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा दिल छोटा नहीं है, इसलिए चिंता मत करना। कोई भेदभाव नहीं होगा सरकार में, कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त किसी की नहीं होगी। ये मान लेना मेरा कोई अपना नहीं, लेकिन ये पूरा बागपत मेरा परिवार है। मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी मेरी होगी। 80-20 नहीं होता कुछ, ये तो। और वैसे भी इनके अनुमान में तो आप सारे 20 में ही हो, कोई 80 में नहीं हो। ये 20 को 100 बना दो, ये 20 को 100 बना दो, यही बात है। और यहाँ से दे दो ना सामने। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सारी बात तो सुन रखी आप। मैं कोई हेमा मालिनी नहीं हूं जो बार बार डायलॉग एक ही सुनाऊंगा। मैं ढकोली को एक वादा करता हूं, अभी से जो है आप सोच लो, कोई छोटी बात मत मांगना। अगर सरकार बनती है, सरकार बन जाती है, तो गांव में कुछ ऐसा काम मांगना, और मुझे लगता है कि जो आप मांगोगे उससे ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा हम लोग करके आपको दिखाएंगे। तो अभी से जो है, बड़े अनुभवी बुद्धिजीवी लोग हैं क्षेत्र के, ढकोली के हैं यहाँ उपस्थित, और कैप्टन साहब की तो मैंने यहाँ अध्यक्षता करा दी, विद्वान हैं। आप पर्ची पे लिखना शुरू कर दो क्या, और अहमद पे कोई कसर मत छोड़ना, इनका हमारा परिवार। चौधरी अजीत सिंह जी इनके पिताजी से बेहद लगाव मानते थे, वे भले व्यक्ति हैं, और शायद इतने भले विधायक 403 में को मिलेगा नहीं आपको जितने हैं। तो कोई कसर मत छोड़ो, और जो गर्मी 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 कम मत होने देना, गर्मी बना के रखनी है। और मैं नौजवानों के लिए एक बात कहता हूं, हमने घोषणा पत्र में रखी थी, और अखिलेश जी ने भी उस बात को स्वीकार लिया है, अब वो भी उन्होंने बात कहनी शुरू कर दी है। 2 साल आपके खराब हुए कोरोना में, और सेना की भर्ती तो शायद 4 साल से नहीं हुई। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो एज में रिलैक्सेशन देना पड़े, भर्ती बढ़ानी पड़े महिलाओं को, की भर्ती को भी मैं वरीयता दूंगा, लेकिन जो 2 साल आपकी उम्र जो कम है पुलिस में, भर्ती बढ़ानी भी पड़े, बढ़ाएंगे ताकि आपकी नौकरी हम लगा के दें। तो अगर नौकरी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, मान सम्मान की भी लड़ाई है। ये जो कहते हैं बाबा बार बार कि गुंडे भगा दिए, गुंडे भगा दिए, मैं तो एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल का जवाब उन पर बनता नहीं। मैं गुंडा हूं, अपराधी था, मैंने कौन सा अपराध किया, मैं हाथरस गया, मुझ पर क्यों लाठी चलाई बाबा। तो ये मान सम्मान की बात है। आपने जो मुझे पगड़ी पहनाई, चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका साया रहेगा, और उनकी यादें दिल में रख के हमेशा उन बातों को जिंदा रखना। आप हमें मौका दें, और चौधरी चरण सिंह की उस खोई हुई विरासत को दोबारा हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय जय भारत।